हेलो स्टूडेंट्स, एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और माय नेम इज आरके ठाकुर और आपको आज सिखाने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आपका सॉलिड स्टेट यूनिट वन, मतलब चैप्टर नंबर वन। आप बोल सकते हैं इसको चैप्टर फर्स्ट या फिर यूनिट वन। यूनिट वन नाम है द सॉलिड स्टेट। इसको आप बोल सकते हैं ठोस अवस्था। क्या बोल सकते हैं? ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। अब देखिए, नीचे क्लास में जो आप पढ़े थे आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आप तीनों स्टेट देखे थे, पदार्थ का तीनों अवस्था देखे थे, मैटर्स का थ्री स्टेट देखे थे यहाँ वहाँ पे, है ना। तो ये फिजिकल जो प्रॉपर्टी था, सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। और वहाँ से जब सेकेंड ईयर में हम लोग आए तो आपका मतलब जो स्टेट था वो आपका चैप्टर में कन्वर्ट हो गया। मतलब सॉलिड स्टेट एक चैप्टर लेके आया है, तो एक एक शब्द से आपका क्या बन गया, एक एक चैप्टर बना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड, कि आखिर सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड आपको पहले से भी पता है कि सॉलिड वैसे पदार्थ होते हैं या फिर वो सब्सटेंस है जिसका शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट होता है। शेप और वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनिट होता है, वो चेंज होता नहीं है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे, मतलब इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं ठोस। और जो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या मतलब गैस होता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों ही टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख ले, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आपका जो है वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन उसका टेम्परेचर जीरो डिग्री कर दिया जाए तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड या लिक्विड या फिर आपका गैस जो है, ये स्टेट आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। किस पे करता है? टेम्परेचर और प्रेशर पर करता है। बहुत सारे ऐसे भी गैस हैं जिसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाए, प्रेशर को उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, तो होता क्या है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब याद रखेंगे, कोई भी सॉलिड हो, वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या तो गैस हो, ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर सॉलिड होता क्या है। तो सॉलिड क्या है, देखिए आप सिंपली क्या बोल सकते हैं कि वैसे द सब्सटेंसेस विच हैविंग डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड और इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सो क्लोज विथ ईच अदर। मतलब इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सॉलिड है और इसको पार्टिकल मान लें, तो कहने का मतलब देख रहे हैं एक दूसरे से क्या है, सटा सटा है। क्या है? सटा सटा, इसलिए इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये कंप्रेसिबल नहीं होता है, ये रिजिड होता है। रिजिड कहने का मतलब इसमें कितना प्रेशर देंगे, प्रेशर इसमें जितना प्रेशर प्रेस करेंगे इसको, जितना भी दबाएंगे तो ये मतलब इसका शेप में कोई चेंजिंग नहीं आता, इसलिए इसको बोलते हैं रिजिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड। रिजिड का मतलब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो सबसे पहले तो इनकंप्रेसिबल है, और जब ये इनकम्प्रेसिबल है, इसको दबाया नहीं जा सकता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, तो इसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए आप बोल सकते हैं रिजिड। जैसे ये भी क्या है? रिजिड है। ये क्या है आपका? रिजिड है। ये आपका रिजिड है, दबा रहे हैं, इसका शेप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कोई चेंजिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मतलब ये क्या है आपका? रिजिड है। तो सॉलिड में सबसे पहले जो मतलब शॉर्टकट याद रख सकते हैं आप, कि सॉलिड जो है आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड होता है, वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है? डिफिनिट होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, आपको पहले पढ़े होंगे, यदि पार्टिकल्स जो है जितना नज़दीक आएगा उसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, और जितना दूर रहेगा उतना घटता है, उतना क्या होता है? कम होता है ना। तो कहने का मतलब जिस पार्टिकल से सॉलिड बना हुआ है उसका पार्टिकल्स तो एक दूसरे से सटे सटे होते हैं, तो डिस्टेंस कम, डिस्टेंस यहाँ पे जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, फोर्स क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा,
है ना, डिस्टेंस कम अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो जो सॉलिड, अब ये चैप्टर को भी इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं, तो कुछ कुछ नंबर यहां से भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर मैक्सिमम तो 5 नंबर, बोर्ड में तो 5 नंबर तक भी पूछ दिया जाता है। लेकिन आप कंपटीशन लें, मतलब कहीं भी, मतलब इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता है, चाहे 1 नंबर पूछे, 2 नंबर पूछे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी पूछे। और दूसरी बात है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा है और समझने लायक चीज़ है, बहुत ही, मतलब एक बोल सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल ये चैप्टर है, बहुत ही अच्छा आपका चैप्टर है, समझने लायक, ठीक है। और ऐसे भी पता, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री तो आपका स्टडी ऑफ मैटर होता है, स्टडी ऑफ मैटर, तो मैटर का जो प्रॉपर्टी है वो जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर जानते हैं, उसका कंपोजिशन जानते हैं, तो यही तो आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, सिंपल। तो हम लोग क्या है, तो कहने का मतलब जो सॉलिड्स होते हैं, तो सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे से चिपके होते हैं, सटे सटे होते हैं, इस टाइप से। अब इस टाइप से सटे सटे हैं तो इसलिए क्या माना जाता है, ये आपका जो कंप्रेसिबल नहीं होता है, ये रिजिड होता है। इसको पढ़ने का क्यों जरूर, मतलब क्यों, क्या जरूरत है, ये सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत सारे सॉलिड है, जैसे आपको आपका कॉपी किताब, पेन पेंसिल्स, बेड जिस पर आप सोते हैं, कपड़ा, सब क्या है आपका सॉलिड है। तो क्या आप एक अंदाजा लगाइए जितने भी दुनिया में सॉलिड है सब एक ही जैसा है, नहीं, सबका प्रॉपर्टी तो अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब जितने भी सॉलिड है सबका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बोलिए या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बोलिए, बहुत सारा चेंजिंग आता है, सबका अलग अलग, सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका एक होता है क्या, नहीं, डिफरेंट होता है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जितने भी सॉलिड है वो एक ही कैटेगरी में रहेगा या फिर उसको अलग अलग किया जा सकता है, तो अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीखने वाले हैं, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत बहुत सारे चीज़ यहाँ पर सीखेंगे हम लोग, सॉलिड स्टेट में आप ढेर सारे चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो इसका यदि इसमें क्या क्या पढ़ना है वो यदि देखें, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। पहला, सॉलिड के कितने प्रकार के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड में देखेंगे, जैसे एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे यहां पे, इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे, और दूसरा जो है आपका अमरफस सॉलिड पढ़ेंगे। अमरफस सॉलिड को आप नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फिलहाल अब क्या क्या पढ़ना है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे, अमरफस सॉलिड, मतलब आपका जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड में, टाइप्स ऑफ सॉलिड में देखना है ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आपका अमरफस होता है, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हम पढ़ेंगे, इसका टाइप्स, तो ये 4 टाइप्स के होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ेंगे, उसके बाद आयोनिक सॉलिड, फिर और जो इसमें पढ़ेंगे वो है आपका मेटेलिक सॉलिड है, और एक लास्ट है इसमें कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड बोला जाए तो 2 टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, अमरफस होता है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। फिर यदि हम लोग बात करें आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड को, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी 3 टाइप्स होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
तो पहला तो नॉन पोलर, नॉन पोलर पहला क्या है आपका, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा जो पढ़ेंगे वो है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये कुछ टाइप्स था, ये क्या था, कुछ टाइप्स। तो हम लोग क्या करें, अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कहने का मतलब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो आपको अभी बता रहे हैं, फिर एक एक करके हम लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको लिख लेते हैं। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। और जो इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग, याद रखिएगा, क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर आप जैसे आप पढ़िएगा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा जो है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे चीज यहां पे सीखने को मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट सेल के बाद। इसके अलावा और क्या पढ़ना है यहां पे, आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। उसके बाद भी और क्या पढ़ना पड़ेगा, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने के बाद आपको डिफेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स में आ जाएगा जैसे शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये सारे आ जाएगा किसमें, डिफेक्ट के अंदर। फिर आगे की बात करें हम लोग, डिफेक्ट के बाद और जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और जो है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है तो फाइव टाइप का यहां पढ़ेंगे, पारा मैग्नेटिज्म, डाया मैग्नेटिज्म, फेरो मैग्नेटिज्म, एंटी फेरो और एक फेरी। तो इस तरह से हमने पढ़ना है। तो इसके अंदर भी ढेर सारी चीज़ आएगा, इसके अंदर भी आपका ढेर सारे चीज़ सीखेंगे। तो ये आपका बाइफर्गेशन है, मतलब इतने सारे चीज़ हमें डील करना है। तो फिलहाल आपको बता दें, क्रिस्टल लेटिस पढ़ना है, यूनिट सेल पढ़ना है, यूनिट सेल में प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ना है, सेंटर यूनिट सेल पढ़ना है, सेंटर में आ जाएगा जैसे फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ये सारे आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर सीखना है आपको, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, डिफेक्ट्स, डिफेक्ट में बहुत सारा आता है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। फिर पॉइंट डिफेक्ट को देखेंगे तो फिर आगे बांटा गया है इसको, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, इस तरह से। ठीक है, तो ढेर सारी चीज़ यहाँ पे, कहने का मतलब इस चैप्टर में नाम सिर्फ छोटा है द सॉलिड स्टेट, लेकिन इसमें जो सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं, बहुत नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक इसको देखते जाएं, समझते जाएं, जहां दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसको क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए शुरू में जो बातें आएंगी बहुत ही सिंपल होगा आपका, है ना, कुछ लैंग्वेज है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, मतलब याद रखना है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वगैरह में हेल्प करेगा और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। जैसे आपको ठोस के बारे में यदि हम बताएं तो अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड, तो आप क्या बोलेंगे, द सब्सटेंसेस विच हैविंग डिफिनिट मास, डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, रिजिड, ओके, एंड दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैनॉट मूव ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सो दे कैन ओनली ऑसिलेट, सो दे कैन ओनली ऑसिलेट देयर मीन पोजिशन, ठीक है। तो इस तरह की बात है। उसके बाद इसका इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी शॉर्ट, सो इंटर मॉलिकुलर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम अभी देखने जा रहे हैं आपका कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड देखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अभी देखेंगे, यानी कि ठोसों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होता है। तो जो अभी बताया वही है, जो बताया अभी वही, जैसे मान लीजिए क्या है, ठोस है, इसको हम दबा रहे हैं, दब रहा है क्या, नहीं दब रहा है। जब इसको पीटेंगे, जब इस पर हम चोट पहुंचाएंगे, तो कहने का मतलब इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आप बोलिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवयवीकण, और कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिससे वो बना है। आप बोलिए जिससे, किससे बना है, तो वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl भी क्या है, एक सॉलिड है, NaCl नमक एक क्या है, सॉलिड है। तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है यहाँ पे आपका Na+ और Cl- Na+ और Cl-, तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हो गए। जब किसी एटम्स के ऊपर चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयंस बोलते हैं। जैसे भाई मॉलिक्यूल्स की बात करें, बेंजीन C6H6, C6 यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, H6 भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है, दोनों कंबाइन किया तो बेंजीन बना। तो कहने का मतलब ये भी क्या है आपका, मतलब मॉलिक्यूल से बन सकता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे कोई चीज़ बन रहा है, जिससे कोई चीज़ बन रहा है वो क्या है, उस कंस्टिट्यूएंट है। तो कहने का मतलब यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या क्या हो सकता है बच्चे, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, मतलब वो जिस चीज़ से बना हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान है, है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको समझा देते हैं। यहाँ पे दोनों बच्चे, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, यानी कि BSEB हो या फिर CBSE हो, नो प्रॉब्लम, है ना, दोनों को लेके चल रहे हैं एक साथ, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे आपका CBSE का है, बहुत सारा आपका बिहार बोर्ड का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीखने से मतलब, आपको क्या मतलब है, सीखने से मतलब और रिजल्ट अच्छा करना। तो आपको हिंदी भी लिखवा दे रहे हैं और इंग्लिश भी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग समझने कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, तो ये वेल नोन है, सबको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसका वॉल्यूम, उसका शेप एंड मास डिफिनिट होता है। डिफिनिट का मतलब इसको यहाँ पे रखें तो उतना ही मास होगा, वहाँ रख देंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि हम ले लिक्विड का केस लें और गैस का केस लें, तो उसको जिस कंटेनर में रखा जाए उसी का क्या करता है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन यहाँ सॉलिड को जहाँ भी रखिए आप, वो अपने अवस्था में रहेगा, क्योंकि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो इससे ये बना हुआ है, जिससे ये बना हुआ है, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मान लीजिए एल्युमिनियम का स्ट्रिप है, ये एल्युमिनियम का, ठीक है, तो ये यहाँ पे एटम्स कौन होगा, एल्युमिनियम होगा, मतलब ये एटम से बना हुआ है, एल्युमिनियम से बना हुआ है। तो कहने का मतलब एल्युमिनियम का जो मतलब एटम्स है वो एक दूसरे से सटे सटे, मतलब इतना ज़्यादा सटे सटे हुए हैं कि इनके बीच लगने वाला इंटर मॉलिकुलर फोर्स, मतलब जैसे कि एक चीज़ ये वाला है और ये वाला, ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो कहने का मतलब ये यदि जितना नज़दीक आएगा, ये दोनों आपस में जितना नज़दीक आएंगे उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा। ये दोनों का दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए आप जब घर में रहते हो अपने पेरेंट के साथ, तो होता क्या है उसमें होता है कि आप उनके जितना नज़दीक है उतना अनुशासन में रहते हैं, कुछ भी करने से पूछते हैं। लेकिन आप दूर कहीं रहते हैं
तो दूरी बढ़ गया, यदि आपके और आपके पेरेंट का दूरी बढ़ गया तो आप मनमानी करना शुरू कर देते हैं, रहते कहीं और है बताते कहीं और है, तो इस तरह की बात है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही डिक्रीज करेगा, और जितना नज़दीक आएगा उतना क्या हो जाएगा बढ़ेगा। तो जो सॉलिड्स होते हैं उसके बाद तो पहला याद रखेंगे दे हैव डिफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप, पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, तो दो एटॉम्स या मॉलिकुल्स या आयंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ये वाला, अब देखिए ये मान लीजिए किसी मॉलिकुल से मिलकर बना है या फिर एटम से, ये गोल वाला जो बॉल देख रहे हैं इसको एटम्स मान लें, तो देखिए एक दूसरे से सटा हुआ है, एक दूसरे से सटा हुआ है, तो इनके बीच का जो दूरी है बहुत कम है, तो इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा होगा, क्या हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही आपका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे व्हाट आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू एटम्स, तो एक तरह का फोर्स है बॉन्ड, क्या है एक तरह का फोर्स है बिटवीन टू एटम्स और मॉलिकुल्स और आयंस। तो फिर बोल रहा है इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, तो इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स मॉलिकुल्स या डिस्टेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप बोल सकते हैं, तो इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। फिर आपको बोल रहा है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, तो डिस्टेंस शॉर्ट मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस शॉर्ट और आपका फोर्स क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब कम से कम जगह, जैसे मान लीजिए आप जो है ट्रेन पे हैं, कहाँ पे हैं आप ट्रेन पे खड़ा है, कौन सा जनरल बोगी, आपको मतलब स्लीपर का बात नहीं कर रहे हैं, जनरल में आप खड़े हैं, जनरल कभी जाइएगा तो देखिएगा, यदि आप खड़े हैं और उसमें क्या होता है भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जितना ना उतरता है उससे 10 गुना क्या होता है उस पर चढ़ता है, तो कहने का मतलब आप बीच में हैं, आप बीच में चारों तरफ से आदमी है, आप हिलडोल पाएंगे नहीं पाएंगे, मान लिए कहीं खुजली हो रहा है तो किसी और को खुजा रहे हैं, इस तरह का स्थिति आ जाता है, लेकिन आप अपने स्थिति पर क्या ऑसिलेट कर सकते हैं, ऑसिलेट मतलब ऐसे ऐसे तो कर सकते हैं ना, जगह बनाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ऐसे, लेकिन आपका पैर जो है जहाँ है वहीं रहेगा, आप बॉडी को इधर उधर कर सकते हैं ऐसे ऐसे, मतलब इसको क्या बोलेंगे ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है, जैसे ये आप ऑसिलेट का मतलब समझिए, जैसे ये आपका एल्युमिनियम का एक छड़ है और इसमें फोर्स जब लगाएंगे तो क्या होगा, ये पोजीशन इसका फिक्स है, अब ये पोजीशन यहाँ नहीं आएगा, लेकिन ये क्या कर रहा है अपने ही जितना जितना इसके पास जगह है उतने में क्या कर रहा है ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक जो सॉलिड्स होते हैं इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब देखिए सिंपल वे में समझ सकते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट आएंगे ये चाहेगा यहाँ इधर आए जाएंगे तो नहीं आ पाएगा, अपने ही जगह में रह सकता है, लेकिन ये अपने जगह में क्या कर सकता है ऑसिलेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये मेटल है, इसको जब ठोकेंगे छुएंगे तो वाइब्रेट करता है, क्या करता है वाइब्रेट करता है, चूंकि ये बहुत सटे सटे हैं, एक जगह पीटेंगे सभी जगह वाइब्रेशन होगा, मतलब इसके अणुओं में कंपन होता है, क्या होता है कंपन, तो अपने ही जगह पे एटॉम्स क्या कर सकता है आपका ऑसिलेट कर सकता है, ऑसिलेट का मतलब दोलन कर सकता है लेकिन जगह को नहीं छोड़ सकता है। आ रहा है समझ में, तो बोल रहा है देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इट मीन्स एटॉम्स, इट मे बी एटॉम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, ओके, तो देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन मतलब एक निश्चित जगह है, एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो जो है सिर्फ अपने ही माध्य स्थिति में, मतलब उसके पास जितना जगह है उतने में सिर्फ क्या करता है हिल डोल कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, दोलन कर सकता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, इसको दबाएंगे, ये सॉलिड है इसको दबाएंगे, दब रहा है क्या, नहीं दबेगा, क्यों नहीं दबेगा, चूंकि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से सटे सटे हैं। एंड रिजिड, रिजिड का मतलब इसको दबा रहे हैं, है ना, तो इसका इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है रिजिड, ढीठ का मतलब समझते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्टूडेंट होते हैं उसको ले डंटा पीट रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ता, तो क्या बोलते हैं वो ढीठ है, मतलब कोई चेंजिंग उसमें नहीं आ रहा है, यदि आपके चेंजिंग नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे रिजिड है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं ये करो आप ही वो कर रहे हैं और कितना भी पिटाई होता है आप सुनते नहीं है, तो आप क्या बोले आप ढीठ हैं, ढीठ है मतलब आप रिजिड हो, क्या हो रिजिड मतलब कुछ भी हो जाए इसका जो वॉल्यूम है शेप है मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए क्या होता है रिजिड होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और जो हिंदी वाले हैं आप याद रख सकते हैं, ठोस निश्चित
द्रव्यमान आयतन एवं आकार के होते हैं। ठोस क्या होते हैं? निश्चित द्रव्यमान आकार, द्रव्यमान आयतन एवं आकार के होते हैं। अंतरांविक दूरियां लघु होती है, लघु का मतलब कम होता है, लघु का मतलब कम होता है। अंतरांविक पर प्रबल होते हैं, प्रबल का मतलब अत्यधिक, प्रबल का मतलब अत्यधिक। उनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है और यह कण अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। मतलब उनके अवयवी कण, मतलब जिससे वो बना है, परमाणु बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, अणु बोल सकते हैं, वो निश्चित होता है, मतलब उसका जगह फिक्स है। और यह अपनी माध्य स्थिति, मतलब माध्य स्थिति का मतलब होता है उसके पास जितना जगह है उतने में सिर्फ क्या कर सकता है? दोलन कर सकता है। ठोस असंपीडीय होता है, असंपीडीय का मतलब तो जिसको दबा नहीं सकते, इनकम्प्रेसिबल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्रेसिबल, इसको हम दबा नहीं सकते हैं। और कठोर होते हैं, रिजिड का मतलब यहाँ क्या बोलेंगे? कठोर। रिजिड का मतलब क्या बोलेंगे? कठोर बोलेंगे। रिजिड का मतलब क्या बोलेंगे? कठोर। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चे, हम लोग देखते हैं आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड आखिर होता क्या है। तो लैंग्वेज बाद में लिखना है, पहले आप समझ लीजिए क्रिस्टलाइन आखिर होता क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, सबसे पहले उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रवादार ठोस। क्या बोलते हैं उसको? या फिर रवादार ठोस बोल सकते हैं, या फिर क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टलीय। जैसे अभी हाथ में जो पकड़े हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हुआ क्या बच्चे, तो दुनिया में सॉलिड तो बहुत है, लेकिन यहां पे सॉलिड को दो भागों में बांट दिया गया है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक अमॉर्फस होता है और एक आपका क्रिस्टलाइन होता है। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा अमॉर्फस। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या होता है? अमॉर्फस। याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, फर्स्ट ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड, वो बताएंगे। ठीक है, सॉलिड दो भागों में बांटा गया है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो उसका आकार जो होता है निश्चित होता है। उसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसलिए निश्चित होता है क्योंकि उसके जो एटम्स, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनके जो जो मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो मान लिया जाए ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड दिख रहा है ना। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो रेगुलर पैटर्न में सजे होते हैं, इस टाइप से ऐसे सजे हुए हैं। तो इस टाइप से जब सजे रहेगा इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसका आकार भी क्या होगा? निश्चित होगा। इसका क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे किसी चीज को आप यदि आप सजा के रखते हैं तो उसका एक आकार बनता है कि नहीं बनता है? जैसे तैसे रख देंगे तो आकार बनेगा नहीं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिससे वो बना होता है, जिससे वो बना होता है, वो रेगुलर पैटर्न में सजे होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सजाया गया है, तो ये रेगुलर पैटर्न में है, इसीलिए इसका एक शेप दिख रहा है आपको। इसके एटम्स एक इधर आ जाए, एक उधर चला जाए, तो इसका रेगुलर शेप, मतलब रेगुलर पैटर्न में यदि अरेंजमेंट नहीं होगा या व्यवस्थित नहीं होगा रेगुलर पैटर्न में, तो ये निश्चित आकार का नहीं होता। तो याद रखिएगा कि जो जैसे आप इसका भी शेप क्या है? एक निश्चित आकार का दिख रहा है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे हम बोले, आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिससे वो बना है, जिससे वो बना है इसका मतलब होता है वो एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या फिर आपका मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब, जो यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में है, रेगुलर पैटर्न में है, तो उसका शेप क्या होता है? डिफिनिट होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। इतना तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि डिफिनिट शेप क्रिस्टलाइन। तो पहला याद रखिएगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिखा गया है। यदि कोई डिफाइन बोले करने बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड? द सॉलिड्स विद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट्स आर रेगुलर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, और क्या बोल सकते हैं? मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टर, मतलब यहाँ शार्प का मतलब, एट शार्प का मतलब हो जाएगा MELT, मेल्ट का मतलब पिघलना। तो इसका गलनांक जो है निश्चित
और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब अभिलाक्षणिक होता है। कहने का मतलब मान लीजिए किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस, कितना है 120 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक 120 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा तब तक वो पिघलेगा नहीं। जैसे आइस है ना, H2O आइस, आइस का भी क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट नहीं से, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है वो जमता पिघलेगा, तो जीरो से जैसे आगे बढ़ेगा वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक होता है, मतलब चेंज नहीं हो सकता है। तो मेल्ट एट शार्प, तो पहला डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट शेप क्यों होता है आपको बता दिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है रेगुलर होता है। सेकेंड पॉइंट है मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, मतलब ये जो मेल्ट करेगा वो एक डिफिनिट टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा, ठीक है, चेंज होगा नहीं। फिर बोल रहा है, अब देखिए थर्ड पॉइंट बोल रहा है, व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल, जैसे मान लीजिए ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अभी ये क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको यदि तेज धार वाले औजार से काटा जाए, इसको क्या किया जाए काटा जाए, तो उसका जो सरफेस प्राप्त होगा उसको जब छुएंगे तो ये चिकना और सपाट होगा, चिकना और सपाट होगा, मतलब स्मूथ प्लेन एंड स्मूथ होगा, प्लेन एंड स्मूथ होगा, मतलब रुखड़ा नहीं होगा, इरेगुलर नहीं होगा आपका, प्लेन एंड क्या होगा प्लेन एंड स्मूथ होगा। तो याद रखिएगा व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कट विथ ए शार्प एज टूल, कट विथ ए शार्प एज टूल, देन दे स्प्लिट इंटू टू पीसेस, दे स्प्लिट इंटू टू पीसेस, मतलब ये दो टुकड़ों में बट जाएगा, एंड देयर न्यूली जनरेटेड सर्फेसेस, एंड देयर न्यूली जनरेटेड सर्फेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ, प्लेन एंड स्मूथ, मतलब यहाँ लिखा हुआ व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल देन दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। फिर बोलता है दे हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन ऊष्मा जिसको बोलते हैं, मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई चीज मेल्ट करना शुरू करता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोलते हैं उसको हीट ऑफ फ्यूजन, गलन ऊष्मा, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे ही ये पिघलना शुरू होगा, उसके पहले पिघलेगा नहीं। ये खासियत है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तब तक वो मेल्ट नहीं कर सकता, गल नहीं सकता है। तो याद रखिएगा मेल्ट एट शार्प टेम्परेचर है ना, मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, फिर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है इसका निश्चित होता है। फिर बोला एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके बाद बोला एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, अब ये इसको समझना जरूरी है कि एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो जैसे मान लिया जाए हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं आपका, जैसे आपका दिया हुआ है ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस, ठीक है। फिर मान लिया जाए आपका शुरू किया हम माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस या फिर और शॉर्टकट ज़्यादा लंबा हो रहा है, छोटा सा लेते हैं उदाहरण। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आपको बोर्ड में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रॉपिक, वहाँ रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और बहुत सारे दे देगा, तो आपको चुनना रहेगा कि भाई आपका एन आइसोट्रॉपिक कौन होता है। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है यदि हम किसी चीज़ को डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हैं, उसका अरेंजमेंट रेगुलर है, उसका अरेंजमेंट जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है, लेकिन उसको जब डिफरेंट डायरेक्शन में देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो वो डिफरेंट दिखेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे मान लिया जाए ए प्लस माइनस फिर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस इस टाइप से माइनस प्लस माइनस प्लस। एक मान लें कि इस लाइन सॉलिड का एक अरेंजमेंट है, क्या है अरेंजमेंट है। तो आप अपना नज़र यहाँ पे रखिए,
आप अपना नज़र को यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखें इसको, यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको क्या दिख रहा है? अल्टरनेट दिख रहा है, प्लस माइनस क्या दिख रहा है? प्लस माइनस अल्टरनेट दिख रहा है। लेकिन आप अपना नज़र को यहाँ पे रखिए, जैसे इस तरह से काटेंगे तो आपका कैसा दिख रहा है? अल्टरनेट दिख रहा है, प्लस माइनस। लेकिन हम यहाँ से देखें, यदि हम यहाँ से देखें, आपकी नज़र कहाँ है? आपके आँख यहाँ पे है, आप यहाँ से यदि देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ सिर्फ क्या है? नेगेटिव है। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ क्या है? नेगेटिव है। देखिए इसका अरेंजमेंट, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है? रेगुलर है। लेकिन इसको जब डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हैं, जब इसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हैं तो ये डिफरेंट दिखता है। इसलिए बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब किसी चीज़ के अरेंजमेंट को देखिए चारों तरफ, जैसे भीड़ मेला है, मेला को आप जहाँ से देखिए एक ही जैसा दिखेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए कि स्लाइन सॉलिड का एक खासियत है कि इसको हम डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हैं तो डिफरेंट दिखता है। जैसे इधर से देख रहे हैं तो अल्टरनेट प्लस माइनस दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं, इस लाइन में देख रहे हैं, तो देखिए एक तरफ हो रहा है माइनस, एक तरफ हो रहा है प्लस हो रहा है। तो कहने का मतलब इसी को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन से देखने से डिफरेंट दिखता है। दे आर ट्रू सॉलिड। ट्रू का मतलब वास्तविक ठोस है, ये क्या है? वास्तविक ठोस है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर होता है लॉन्ग रेंज होता है। जैसे मान लीजिए देखिए, जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो क्या है? बहुत लंबा तक जा सकता है। क्या हो सकता है? बहुत लंबा। तो याद रखेंगे ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा। तो यदि आपसे पूछेगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर किस में होता है, किस लाइन या एमोर्फस में, तब बोलिएगा किस लाइन सॉलिड में। किस में होता है? किस लाइन सॉलिड में होता है। तो सिंपल बात है, डिफिनिट शेप, मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, when cut with a sharp edge tool, then they split into two pieces and their new generated surfaces are planned and smooth. Okay? उसके बाद फिर बोल सकते हैं they have definite heat of fusion. उसके बाद जो होता है ये होता है anisotropic in nature, true solid। ये क्या होता है? आपका true solid। और last में आप बोल सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रेगुलर वे में सजा होता है वो लंबे दूरी तक तय कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घप्रासी। अब हिंदी में कोई लिखना चाहेंगे तो हिंदी वाले याद रखेंगे इनके आकार निश्चित होते हैं, ये निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं और नई जनित सतह सपाट एवं चिकना होता है। जैसे ये आपका क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको काटेंगे तो इसका सतह कैसा होगा? चिकना और सपाट होगा। इनकी गलन उष्मा निश्चित होती है, मतलब निश्चित टेम्परेचर पर ही ये पिघलना शुरू करेगा। ये विषम दैसिक प्रकृतिक होता है। विषम दैसिक, विषम का मतलब होता है डिफरेंट, दैसिक मतलब देखना। कहने का मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट दिखेगा, तो हम लोग एन आइसोट्रॉपिक को बोलते हैं विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये ट्रू सॉलिड है, ये दीर्घपरासी होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर को क्या बोलते हैं? दीर्घपरासी। तो कहने का मतलब इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो ये अभी देखें हम टाइप्स ऑफ सॉलिड में, सबसे पहला किसके देखें? एक नंबर में जो देखा गया है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड में, वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट आपको बताते हैं एमोर्फस सॉलिड। आप क्या करें इसका फटाफट आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसको बोलते हैं एमोर्फस। एमोर्फस को हम बेरवादार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरवादार। अब जस्ट अपोजिट होगा जो हम लोग पढ़े हैं अभी, क्रिस्टलाइन सॉलिड यदि आपको याद है उसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? आपका एमोर्फस हो जाएगा। तो देखिए दो भागों में इसलिए बांटा गया। अब एमोर्फस जो है वो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉलिड माना जाता है। सॉलिड तो है लेकिन ट्रू सॉलिड नहीं है। ये ट्रू सॉलिड आपका होता नहीं है, क्योंकि जो सॉलिड का ओरिजिनल प्रॉपर्टी होता है, रियल प्रॉपर्टी, एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, उसको ये फॉलो करता नहीं है। देखने में सॉलिड है, सब कुछ में सॉलिड है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज होता है, जो मेन प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का, वो फॉलो नहीं करता। जैसे इसका जो है शेप, आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होने का मतलब हुआ, जैसे मान लिया जाए एमोर्फस सॉलिड को, मान लीजिए एक भीड़ है, जैसे मान लीजिए एक एटम इधर गया, दूसरा इधर भाग गया, फिर तीसरा इधर आ रहा है, ऐसे
अब इसका आकार कभी निश्चित होगा, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो इस तरह का अरेंजमेंट का एक निश्चित से बोल सकते नहीं बोल सकते। कहने का मतलब जो एमोरफस होता है, जैसे ये क्या है आपका एमोरफस है, ये जो बॉल रबल बॉल है रबर, ये क्या है एमोरफस है, प्लास्टिक क्या है एमोरफस है, तो ये सब एमोरफस है। इसको छोड़ के ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन ये एमोरफस है, ये किससे बना हुआ, एमोरफस से बना हुआ। तो कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि दो भागों में इसलिए बांटा गया है कि कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी है जो मैच नहीं करता है, जस्ट अपोजिट। जैसे मान लिया जाए, हम देखे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है, इसका क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट। मेल्ट एट शार्प आयन कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, वो एक निश्चित ताप पे पिघल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एमरफस होता है वो निश्चित ताप पर पिघलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप प्लास्टिक को लीजिए, उसको आग में डालिए, तो कोई भी टेम्परेचर हो, मोमबत्ती हो या जहाँ भी डालिए, गैस का आग में डालिए, तो क्या होता है, सबसे पहले वो पिघलता नहीं है, सबसे पहले वो सिकुड़ता है, वो क्या होता है, सिकुड़ेगा। और सिकुड़ने के बाद थोड़ा सा डांस वांस करता है, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद पिघलना शुरू होता है। तो कहने का मतलब कोई भी ताप में वो नरम पड़ सकता है, जो एमोरफस सॉलिड होता है कोई भी ताप में नरम पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए लोहा, लोहा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइन, जब तक इसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा तब तक इस ये मेल्ट नहीं करेगा, जैसे वैसे रहेगा। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कोई भी ताप पे वो नरम पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, नरम पड़ जाता है, ठीक है। अब फिर देखे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब काटेंगे दो टुकड़ों में बटेगा, उसका सतह जो मिलेगा नया वो चिकना और सपाट होगा, लेकिन इसको भी काटेंगे तो दो ही टुकड़ों में बटेगा। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे, ये एमोरफस है, इसको हम काटेंगे, तो ये भी क्या होगा, दो टुकड़ों में बटेगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा, लेकिन इसका सतह जो नया सतह मिलेगा उसको छू के देखेंगे चिकना और सपाट नहीं होगा, इरेगुलर होगा, क्या होगा, अनियमित होगा, इरेगुलर होगा, मतलब रुखड़ापन होगा, वहाँ रुखड़ा आएगा, रफ सरफेस प्राप्त होगा, है ना। उसके बाद फिर देखा जाए इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे उसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, डिफिनिट था, इसका क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा। वो ट्रू सॉलिड था तो यहाँ एमोरफस क्या हो जाएगा, सूडो सॉलिड, सूडो मतलब आभासी होता है, आभासी ठोस, या फिर इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड इन सेंस आप बोल सकते हैं ग्लास, कांच, कांच को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कूल्ड लिक्विड, तो सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है, जैसे मान लीजिए आप खिड़की नया घर बनाए, खिड़की लगाए और उसमें कांच लगा हुआ है, खिड़की में क्या लगा दी, कांच का खिड़की लगा है, और 10-20 साल के बाद यदि उसका थिकनेस देखा जाएगा तो ऊपर के तुलना में नीचे थोड़ा मोटा हो जाएगा, ऊपर के तुलना में नीचे थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों, जैसे लिक्विड का टेंडेंसी होता है टू फ्लो, लिक्विड का टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी होता है बहना, और ये भी एक्चुअली बह रहा है, ये भी क्या हो रहा है, बह रहा है, लेकिन स्लो, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे मंद गति से बह रहा है, बहुत वेरी स्लोली ये फ्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब सॉलिड तो है लेकिन इसके जो शो कर रहा है अभी, जो प्रॉपर्टी जो शो किया वो क्या है आपका, लिक्विड का, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोलिएगा कांच है, क्या है, कांच है। वैसे एग्जाम्पल लिखवा देंगे आपको, टेंशन नहीं है, लेकिन याद रखेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड किसको कहा जाता है, कांच को कहा जाता है, ग्लास को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसको पुराने बिल्डिंग में यदि लगा हुआ है खिड़की दरवाजा कुछ कांच का, उसका थिकनेस यदि देखा जाए ऊपर थोड़ा पतला हो जाता है, नीचे थोड़ा मोटा हो जाता है। इसका कारण क्या है कि कांच का जो कण है, कांच का जो पार्टिकल है, ग्लास पार्टिकल जो है, क्या होता है, वेरी स्लोली फ्लो करके नीचे आ जाता है, तो निचला भाग मोटा हो जाता है, ऊपर कम। तो जैसे लिक्विड का टेंडेंसी होता है फ्लो, लेकिन यहाँ कांच तो क्या है, सॉलिड है, फिर भी फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड है, क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। इस तरह की बातें हैं। उसके बाद इसका जो मतलब ऑर्डर होता है वो ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये दीर्घप्रासी नहीं होता है। आपका जो क्रिस्टलाइन है वो शॉर्ट रेंज भी हो सकता है, लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ होता है शॉर्ट रेंज होता है, क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर से याद हो गया होगा आप लोग को। तो एमोरफस सॉलिड, इसको बोलते हैं अक्रिस्टलेट होस, दे हैव इरेगुलर शेप, मतलब इसका शेप जो है नियमित नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता है। ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ग्रेजुअली सॉफ्टन का मतलब नरम पड़ जाना, मतलब कोई भी टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होता है, नरम पड़ जाता है। जैसे प्लास्टिक का उदाहरण दिए, मोमबत्ती का ताप हो, कोयला का ताप हो, जहाँ भी दीजिए आप, कोई भी टेम्परेचर में क्या होता है, वो नरम पड़ जाता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, पहचानिक तरीका है, वो नरम नहीं पड़ेगा। वेन कट विद ए शार्प एज टूल, दे कट इन टू टू पीसेस,
विथ इरेगुलर सर्फेसेस, मतलब जब इसको तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो ये दो टुकड़ा में बट जाएगा, लेकिन इसका जो नया सतह मिलेगा वो चिकना और सपाट नहीं होगा, ये रुखड़ा होगा, ठीक है। तो इरेगुलर सरफेस प्राप्त होता है, वहाँ इरेगुलर हो रहा था, यहाँ इरेगुलर। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसका गलन उष्मा निश्चित नहीं होता। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक का मतलब जैसे इसको जिधर से भी दिखिए एक जैसा दिखेगा, कोई मेला को जब देखते हैं तो कैसे दिखता है, एक जैसा दिखता है, कोई निश्चित आकार होता नहीं है, क्योंकि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता नहीं है। उसके बाद दे आर सूडो सॉलिड, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सूडो सॉलिड किसको कहा जाता है, एमरफस सॉलिड को, सूडो सॉलिड किसको कहा जाता है, एमरफस सॉलिड को, या फिर इसी को सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, तो कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होता है ओनली शॉर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बता दिए, अब हिंदी में इसको बोलना चाहेंगे तो याद रखिए, इनके आकार अनिश्चित होते हैं, ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं, इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है, समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव हैं, केवल लघु परासी होते हैं, ये केवल क्या होते हैं, लघु परासी होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर किसका होता है, एमरफस का। सूडो सॉलिड किसको कहा जाता है, एमरफस को। सूडो सॉलिड किसको कहा जाता है, एमरफस को। तो इस तरह से याद रखिएगा, कांच को क्या कहा जाता है, कांच को, यानी ग्लास को क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, मतलब आप किस लाइन याद कीजिए तो ये आपका काम हो जाएगा, और इसको ठीक से इसलिए याद रखेंगे क्योंकि आप पढ़ते हैं, या कभी कभी पूछेगा तो तीन नंबर में देगा सब्जेक्टिव में, कितने नंबर, चाहे CBSE हो या बिहार बोर्ड, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ठीक से नोट्स बना लेंगे, एकदम आराम से नोट्स बना लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, पूरा सॉलिड स्टेट आराम से आपको समझा दिया जाएगा, बस आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो चलिए इसका आप फटाफट क्या करें, स्क्रीन शॉट लें, उदाहरण बता देते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस या रबदार ठोस, ठीक है। तो मेटेलिक एलिमेंट्स, जितने भी मेटेलिक पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे लोहा, सोना, चांदी, यानी कि AG, AU, FE, CU, ZN, सबका सब क्या है, आपका मेटेलिक एलिमेंट है। तो जितने भी मेटेलिक एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी हो, सब किसके अंदर आ जाएगा, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आ जाएगा। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, या जो सॉलिड का प्रॉपर्टी होना चाहिए रियल में, उसको क्या करता है, फॉलो करता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी हो, शेप वगैरह की बात करें तो मेटेलिक एलिमेंट, जैसे कुछ उदाहरण दिए यहाँ पे, वैसे आप पूरा पीरियोडिक टेबल ले सकते हैं, AL, FE, AG, AU, NA, etc. नॉन मेटेलिक में जैसे सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, उसके अलावा फॉस्फोरस होता है, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ये तो आपका आ जाएगा कंपाउंड के केस में, नेप्थिलिन हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो सिंपल वे में याद रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। एमरफस में जैसे ग्लास हो गया, कांच जिसको बोलते हैं, रबर हो गया, जितने प्रकार के रबर, प्लास्टिक, जितने प्रकार के प्लास्टिक है, क्वार्ट्ज ग्लास एक होता है, एक प्रकार का ग्लास है, सिलिकन, ये सारे क्या है, एमरफस है। नोट में आपको जो याद रखना है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ग्लास को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव, इसको क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव, और सिलिकन जो है फोटोवोल्टाइक सेल है, इसको आप देखिए एमरफस है लेकिन कितना बड़ा काम करता है, जो आपका सोलर प्लेट बनते हैं वो किससे बना होता है, सिलिकन से बना होता है, किससे बना होता है, सिलिकन से बना होता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी मेमोरी कार्ड बनता है आपका, सेमीकंडक्टर से बनता है, तो वो भी क्या है, जर्मेनियम सिलिकन है, जर्मेनियम सिलिकन है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करता है। तो कहने का मतलब एमोरफस सॉलिड है लेकिन इसका भी ज़बरदस्त काम है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, वायर हम लोग बनाते हैं तो उसको कवर करते हैं, कवर करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, एमोरफस का, उसके अंदर जो कॉपर है वो क्या आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब दोनों ही यूजफुल है, अपने अपने जगह पर क्या है, दोनों ही यूजफुल है। तो ये याद रखेंगे, ग्लास को सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बता दी, कि जब पुराने खिड़की दरवाजा में यदि कांच लगा हो, उसका मोटाई को यदि देखा जाए तो ऊपर के तुलना में नीचे का भाग थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि कांच जो है जिस प्रकार आपका जो है द्रव बहता है, ठीक उसी प्रकार कांच में भी बहने की प्रवृत्ति होती है, जैसे द्रव का प्रवृत्ति है बहना, ठीक उसी प्रकार कांच भी मंद गति से बहता है और ये गुण को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब इसी प्रकार क्या होता है कि कांच का जो कण है वो धीरे धीरे मंद गति से बहकर निचला भाग को क्या करता है, आपको थोड़ा मोटा कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इस तरह समझा सकते हैं, सिलिकॉन को फोटोवोल्टाइक सेल कहा जाता है, सोलर प्लेट जो बनता है इसी से बनता है, सेमीकंडक्टर है ये,
तो कहने का मतलब जितने भी मेमोरी कार्ड वगैरह बनता है वो सिलिकॉन से बनता है। तो ये किसके अंदर आता है? एमोरफस के अंदर। तो आज हम लोगों ने कोशिश की है कुछ सीखने का कि क्रिस्टलाइन टाइप्स ऑफ सॉलिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोरफस सॉलिड, और दोनों के प्रकार बता दिए, मतलब दोनों के बारे में बहुत कुछ सीखे आज हम लोग, है ना। उसके बाद फिर क्या किए, उसको फिर नोट भी लिखवा दिए आपको। अब इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और ठीक से याद कर लेंगे। नेक्स्ट अब लेक्चर देखते हैं आगे। तो आप लोग क्या करें, यदि आपको समझ में आया, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप तुरंत क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं। क्योंकि आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, बच्चे के पास अभी साधन उतना नहीं है पढ़ने का, सेंटर वगैरह कुछ खुल नहीं रहा है, कॉलेज स्कूल सब बंद है आपका। तो आप एक दूसरे को सहयोग करें इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में। आप क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। जैसे हम टीचर हैं तो आपको पढ़ा के सहयोग कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्त को जो मटेरियल आपको दिया जाता है या जो पढ़ा रहे हैं, जिसको नहीं जानकारी वहाँ तक उसको भेजिए। तो परस्पर ये दुनिया चलती है, ठीक है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। तो इधर से आपको कोई टेंशन नहीं होगा, है ना, चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, दोनों बोर्ड के बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज़ आपको मतलब सरल रूप से बताया जाएगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतने ही, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग, और खुद का ख्याल रखें, और मन से पढ़ाई करें, है ना, और हिम्मत हारें नहीं कि अभी इस तरह से माहौल चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक दूसरे को मदद करते रहें, सहायता करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और खाते पीते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, घर में रहिए, ठीक है। आज इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।